अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी बच्चे बैठे हैं और फ्रूट चाट एंजॉय कर रहे हैं। शाम का टाइम था और मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ बना दिया जाए, और बस बच्चों का दिल था फ्रूट चाट खाने का। इसके अलावा जी नुमान बैठा हुआ है, जी नुमान ड्राइंग कर रहा था, और माशाल्लाह से नुमान ने बहुत ही प्यारी ड्राइंग की। खाना कामा उसने बनाया और मुझे कहने लगा, मामा ये आप कहीं पे लगा दें। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये मैं लगा दूँगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चावल बॉईल करने थे और मैंने इनको भिगो के रख दिया था। इसके अलावा मैं बनाने जा रही थी जी चिकन फ्राइड राइस। जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं उसमें शामिल हैं जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चॉप की हुई प्याज भी काटी हुई है 1 अदद, और गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैंने रख लिया था, 1 अदद मैंने अंडा ले लिया था, और इसके अलावा जो चिकन है वो मैंने बॉईल कर लिया था, चावल भी बॉईल करके मैंने रख लिए थे। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और उस ऑयल में मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने शामिल कर लिया था। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लाइट ब्राउन सा कर लूँगी, और लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें जो बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च वगैरह थी वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ये अंडा जो था वो भी मैंने साइड पे थोड़ा सा इसको मैंने बना लिया था। बस हल्का सा इनको मैं करूँगी थोड़ा सा फ्राई, ताकि इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन जो बॉईल किया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। बस बच्चों के लिए असल में मुझे कुछ ना कुछ उनको लंच में देना होता है स्कूल टाइम के लिए, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों को अब क्या दे के भेजूँ, क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं वो डिफरेंट लेके जाना पसंद करते हैं, एक ही चीज़ से वो उकता जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे जी बस मैंने शामिल करनी थी ये काली मिर्च, सोया सॉस था, ये चिली सॉस है, मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड किया था ताकि कुछ चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे आपको पता है ज़्यादा स्पाइसी भी खाना पसंद नहीं करते। सिरका भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था थोड़ा सा। इसके अलावा नमक भी मैंने ऐड किया था, शायद मैंने से स्किप हो गया, मैं नहीं दिखा सकी आपको। तो बस इसमें मैंने जितनी भी ये हमारी चीज़ें हैं वो मैंने ऐड कर दी थी, और उसके बाद मैंने जो चावल किए हुए थे बॉयल वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। आप देख सकते हैं कि जी तकरीबन फ्राइड राइस हमारे रेडी हैं, बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और बच्चों के हिसाब से तो मैंने बस थोड़ा से स्पाइसी नहीं रखे थे, लेकिन नेक्स्ट मैंने सोचा था कि इससे थोड़ा सा मैं स्पाइसी रखूँगी। और बस थोड़ा सा मैंने जब बच्चों को लंच बना के दिया था तो मैंने इनको मॉर्निंग में मैंने बच्चों को ये जो फ्राइड राइस हैं दे दिए थे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जी कि चिकन कढ़ाई बनाई जा रही थी। हम लोग अपनी अम्मी के घर थे, और जब भी बच्चों की छुट्टी आती है सैटरडे संडे तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग अम्मी के घर ही चले जाते हैं, और वहाँ पे जी सब ने फरमाइश की जी कि मैं बनाऊँगी चिकन कढ़ाई। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, हम लोग रेडी कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और बस जल्दी जल्दी में सारा काम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, और चिकन मैंने अच्छे से बिल्कुल भून लिया था,
गोल्डन ब्राउन हो गया था, बहुत अच्छे से मैंने इसको भुना था। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और ये सारी तमाम चीज़ें डाल के मैंने उसके बाद इसमें टमाटर डाल दिए थे। बस थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ ये चीज़ पहले भी शेयर की हुई है तो बस थोड़ा सा आपको दिखाना था, और इस वजह से बस यहाँ पे जी बस टमाटर जो से थोड़े से गल जाएंगे और मैं इसमें डाल रही थी जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितने आप मिर्चें नमक वगैरह हल्दी जितना आप डालना चाहते हैं आप डाल लीजिएगा। और बस यहाँ पे जी चिकन कढ़ाई जो थी वो बस रेडी होने वाली थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, और दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।